हेलो दोस्तों, तो आप देख रहे हैं एमपी पटवारी के लिए हमारी सीरीज़। तो दोस्तों, ये जो आज का हमारा वीडियो है, ये 27 दिसंबर 2017 का सेकंड शिफ्ट का पेपर है। ये मैं इसलिए बता देता हूँ फ्रेंड्स, ताकि आप लोग इसको रेफ़र कर सके ऑफिशियल जो वेबसाइट होती है वहाँ से, और आप वहाँ से इसको मैच कर कर देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का, ये पूछा है भारत के प्रथम उपग्रह का क्या नाम है। तो हमारा जो भारत का प्रथम उपग्रह है, उसका नाम हमारे एक महान मैथमेटिशियन के नाम पर है, जो कि है आर्यभट्ट। क्या है दोस्तों? आर्यभट्ट। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने तानसेन सम्मान की स्थापना की है। तो जैसा कि आपको मालूम है, तानसेन जो थे हमारे एमपी से थे, राजा अकबर के दरबार के नौ रत्नों में से एक थे। तो तानसेन समारोह जो है मध्य प्रदेश में ग्वालियर में होता है तानसेन समारोह, और तानसेन सम्मान जो है एमपी ने ही स्टार्ट किया। फिर थर्ड क्वेश्चन है, फैंटम लिंब सिंड्रोम की खोज किसने की। तो इसकी जो खोज है वी एस रामचंद्रन जी ने इसकी खोज की है। फिर उसके बाद बच्चों की फिल्म संस्था जो बच्चों के लिए फीचर फिल्मों और लघु फिल्मों का निर्माण करती है, डैश 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 में गठित की गई थी 1955। इसका आंसर है 1955 चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी की स्थापना कब की है? 1955। ठीक है, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी की स्थापना, जो बच्चों के लिए फिल्म बनाती है, उसकी स्थापना कब की है? 1955। ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन नवंबर 1919। वेयर वॉज इट हेल्ड? अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन नवंबर 1919 में आयोजित हुआ था। यह कहाँ हुआ था? तो जो खिलाफत सम्मेलन था, खिलाफत सम्मेलन जो कि 1999 में हुआ था, ये दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये दिल्ली में हुआ था। सिविल सेवा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को मनाया जाता है सिविल सर्विसेज डे। हमारे यहाँ सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम होते हैं, वैसे ही सिविल सर्विसेज डे हमारा मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 21 अप्रैल को। फिर उसके बाद क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा स्थानीय सरकारी निकायों के चुनाव को अनिवार्य कर दिया गया है? स्थानीय निकाय के जो चुनाव होते हैं, इनको कौन से संशोधन से, 73वें संशोधन से अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, किस गवर्नर जनरल के शासन के दौरान भारतीय सिविल सेवा आईसीएस शुरू की गई थी, जिसको हम अभी आईएएस के नाम से जानते हैं, वो पहले आईसीएस के नाम से जानी जाती थी, इंडियन सिविल सर्विस के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, तो इसकी जो शुरुआत की थी, किस गवर्नर जनरल के शासन के दौरान शुरू की गई थी, तो ये नाम है लॉर्ड
कार्नवालिस, लॉर्ड कार्नवालिस के शासनकाल में इंडियन सिविल सर्विसेज शुरू की गई थी। इसके बाद पूछ रहे हैं, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया? स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट, केंद्रीय बजट जो है हमारे यहाँ कौन प्रस्तुत करता है? हमारे यहाँ वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं, वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं। और हमारे जो स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट था, आर के शम्मुखम शेट्टी ने प्रस्तुत किया था, आर के शम्मुखम शेट्टी ने प्रस्तुत किया था। आर के शम्मुखम शेट्टी आपको याद रखना है, इन्होंने जो है हमारे भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया था। निम्न में से कौन सा भारत में प्रत्यक्ष कर नहीं है? दो तरह के कर होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। तो जो प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट कर है, फॉलोइंग में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है, मतलब इनडायरेक्ट कर है? तो इसमें दिया हुआ है GST, एक दिया हुआ इनकम टैक्स, एक दिया गिफ्ट टैक्स, एक दिया वेल्थ टैक्स। देखो, इनकम टैक्स डायरेक्ट है, गिफ्ट टैक्स डायरेक्ट है, और ये WT वेल्थ टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स। GST जो अभी हमारा नया गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो शुरू किया है, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इसमें दो तरह के टैक्स आते हैं, IGST और CGST, है ना? तो ऐसे करके इसमें दो तरह के टैक्स, एक तो सेंट्रल का होता है और एक स्टेट का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, लोक चित्रों की एक शैली मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय? तो मधुबनी जो है ये बिहार की एक शैली है, और वहीं से ये बहुत प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हिदायतुल्ला खान जी थे, न्यायमूर्ति M हिदायतुल्ला, ये जो हैं पहले मुख्य न्यायाधीश थे हाईकोर्ट के, MP के हाईकोर्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में तंबाकू सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है? इसका आंसर है आंध्र प्रदेश में उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदिशा में उदयगिरी में कितनी गुफाएं? ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि विदिशा में जो है उदयगिरी की गुफाएं हैं। तो कितनी है, नंबर बताना है, 20 है, ये आप याद रखिएगा, 20 है। कितनी गुफाएं हैं? टोटल 20 गुफाएं हैं। सिवनी जिले के टाइगर रिजर्व का नाम बताइए। सिवनी में कौन सा टाइगर रिजर्व? तो सिवनी में पेंच टाइगर रिजर्व है, ठीक है भाई। विजयरावगढ़ का किला कहाँ है? कटनी में है दोस्तों। किले भी आपको याद करना है, ग्वालियर का किला ग्वालियर में, राहतगढ़ सागर में है, विजय रावगढ़ का किला कहाँ है? कटनी में है।
रानी रूपमती महल कहाँ है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद है राजा एडवर्ड संग्रहालय, राजा एडवर्ड संग्रहालय के रूप में प्रसिद्ध इमारत एक पुस्तकालय है, ये क्या है, एक लाइब्रेरी है, ये किस रूप में जाना जाता है। राजा एडवर्ड पुस्तकालय बन गई ये जो इमारत, ये किस रूप में जानी जाती है, तो ये केंद्रीय पुस्तकालय के रूप में जानी जाती है, केंद्रीय पुस्तकालय। राजा एडवर्ड जो है इनके नाम से जो इमारत है वो केंद्रीय पुस्तकालय सेंट्रल लाइब्रेरी के नाम से जानी जाती है। भिंड जिले में गोला बारूद कारखाना कहाँ स्थित है, भिंड में गोला बारूद कारखाना है लेकिन भिंड में कहाँ है, तो भिंड में मालनपुर में, मालनपुर, भिंड में मालनपुर में जो है गोला बारूद का कारखाना स्थित है। लास्ट क्वेश्चन जो है ये एक करंट अफेयर्स था 2016 के विश्व कप में कितने देशों की टीमों ने प्रतिभाग लिया, तो इसका आंसर है 12। ये हमको याद नहीं रखना है, स्टैटिक याद रखिए, स्टैटिक जीके जो होता है वो रिपीट होने के चांस रहते हैं और स्टैटिक जीके के कारण ही जो है आपका मार्क्स स्कोरिंग रहेगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, एंड ऑल्सो हमारी एक क्वांट की सीरीज़ भी चल रही है, क्वांट की सीरीज़ चल रही है जिसमें कि हमने अभी काफ़ी वीडियोज़ कर लिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही हम कर रहे हैं। आपको ये कैसी लगी वीडियो, अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, ऑल्सो शेयर करें एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस, सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू, बाय बाय।